हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ किरण तो जोसा काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन जो है नाइन्टीन जून से ही स्टार्ट हो चुका है एंड आज है ट्वेंटी थर्ड जून तो मैं थोड़ा लेट से वीडियो बना रही हूँ इसके लिए आई एम सॉरी थोड़ा सा काम था तो ये जो रजिस्ट्रेशन है जोसा का नाइन्टीन जून से स्टार्ट हो चुका है आई होप जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं जोसा काउंसलिंग में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा उन्होंने एंड रजिस्ट्रेशन के वक्त कुछ कुछ चीज़ें को एडिट करने का मौका मिलता था तो होपफुली सब ने सही एडिट किया होगा जैसे जब फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे तो शायद स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी भी चेंज कर सकते हो देखो बाय मिस्टेक स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी कोई कोई डोमिसाइल स्टेट ही रख देता था लेकिन स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होता है जहाँ से क्लास ट्वेल्थ तुमने पास आउट किया है जैसे अगर तुम बिहार के हो लेकिन अगर तुमने क्लास ट्वेल्थ झारखंड से किया है तो तुम्हारा स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होगा झारखंड तो आई होप जितने भी लोग हैं ये करेक्शन कर लिया होगा अगर जी मेन फॉर्म रजिस्ट्रेशन के टाइम अगर गलत एंट्री कर भी दिया होगा तो रजिस्ट्रेशन के टाइम करेक्ट हो गया होगा क्योंकि अगर ये करेक्ट नहीं करोगे एंड uh, जब ऑनलाइन वेरिफिकेशन uh, होगा ना सीट अलॉटमेंट के बाद तो शायद प्रॉब्लम हो जाएगी तो इसलिए जो भी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होगी वो करेक्ट करना एक तो ये थे कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है एंड जितना भी चॉइस फिलिंग है तुम तो लोग अच्छे से कर रहे होगे जितने भी डाउट्स होंगे आई थिंक सारे डाउट्स जितने भी होंगे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सारा कुछ दिया हुआ है बिज़नेस रूल्स है इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर्स है इंपॉर्टेंट लिंक्स दिया हुआ है यह शेड्यूल दिया हुआ है यहाँ पे ई e सर्विसेज में पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स देख सकते हो सीट मैट्रिक्स भी दिया हुआ है एंड प्रीवियस ईयर्स ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक भी देख सकते हो एंड uh, जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट चाहिए वो भी यहाँ दिया हुआ है सब कुछ दिया हुआ है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट ये शायद महाराष्ट्र को लगता है फिर मेडिकल सर्टिफिकेट ये सब कुछ चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट जब वेरिफिकेशन uh, होगा सीट अलॉटमेंट के बाद तो ये सारे कैंडिडेट्स को मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है एंड विदड्रोवल एग्जिट फॉर्म तो जो लोग एग्जिट करेंगे उसके लिए है फिर सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स इसमें कैटेगरी वाइज जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट लगता है वो इसमें दिया हुआ है फिर हेल्प डेस्क में एफ ए क्यू है एफ ए क्यू में भी ये पी डी एफ दिया हुआ है जितने भी चीज़ें पूछनी है जो भी दिमाग में आता है ना स्टूडेंट्स के क्वेरीज आई थिंक मोस्ट ऑफ़ द क्वेरीज इसमें बताई गई है उसका आंसर दे दिया गया है तो जिनको भी क्वेरीज़ है पहले यहाँ पे एफ़ क्यू में वो क्वेरी देख लो अगर यहाँ पे उसको एड्रेस किया गया है तो बहुत अच्छी बात है एंड केस uh, जो भी क्वेरीज़ है अगर वो एड्रेस नहीं हो रही है तो यहाँ पे कांटेक्ट अस में जो जोसा का कांटेक्ट अस में जो डिटेल्स दिया हुआ है वहाँ पे कॉल कर सकते हो या फिर ईमेल कर सकते हो ये दिया हुआ है आईआईटी के लिए अगर कोई क्वेरी है अगर तुम आईआईटी हाँ, सीट के लिए भर रहे हो तो इस बार ऑर्गेनाइज़र है आई आई टी गोवाहाटी तो यहाँ पर ई मेल दिया हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है और अगर एन प्लस सिस्टम के अगर कोई क्वेरी है तो एन आई टी केला में कॉल कर सकते हो यहाँ पे पूरा वेबसाइट दिया हुआ है एंड फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है और ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है तो ये जितने भी चीज़ें हैं सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर कर सकते हो इन केस यहाँ पे कोई डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अगर मेरे पास उसका सॉल्यूशन होगा तो आई विल डेफिनेटली आंसर देम एंड होपफुली तुम लोग का जो रजिस्ट्रेशन है एंड जो चॉइस फिलिंग चल रहा है वो बहुत अच्छे से चल रहा है तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में